नमस्कार, मैं हूं विदिशा शांडिल्या और आप सब देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस। केंद्र सरकार द्वारा कृषि बिल पास करने को लेकर दिल्ली बॉर्डर पर लगातार किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है, जिसमें यूपी, हरियाणा, पंजाब आदि राज्यों के किसान लगातार कृषि बिल वापस लेने को लेकर केंद्र सरकार पर दबाव बना रहे हैं। इसी बात को लेकर सोशल मीडिया पर किसानों के बारे में तरह तरह की टिप्पणियां की जा रही हैं। चाचा, ये चंदौसी विधानसभा में जो मौनी कुमारी जी आई हैं आपके बीच में, आपको क्या समस्या है? हमको समस्या है साहब, इलेक्शन जो होना चाहिए वो बैलेट पेपर से होना। आपकी मांग है कि बैलेट पेपर से? बैलेट पेपर। अच्छा, और चाचा आपकी क्या मांग है? हमारी साहब बैलेट पेपर। ना, मशीन से होना चाहिए, ईमानदारी का इलेक्शन चाहिए। क्षेत्र में आपके विकास हो रहा है, सड़कें बन रही है, नहीं बन रही है? रिपेयरिंग हो रही है खाली, कहीं कहीं कुछ ना हो रही है। अखिलेश सरकार ने अच्छा विकास किया, बहुत बढ़िया। क्यों देखो, वो एम्बुलेंस उन्होंने चलाई, 100 नंबर उन्होंने चलाई, रिक्शा उन्होंने बांटी, चलाई। रमन्ना उनके पिताजी ने चुनाव चुनी, हम इधर हो गए। नाम चेंज करने पे चुनी हुई है, नाम चेंज करने किसान दिल्ली जा रहे थे, कृषि बिल का विरोध कर रहे थे। उनके साथ जो अभद्रता की जा रही है अभी तक, के साथ कई जगह से चुटपुट घटनाएं भी हो रही हैं, किस तरीके से देखती हैं इस बिल को? देखिए, ये सरकार ने जो कृषि बिल पास किया है जी। किसान इसका विरोध कर रहे हैं, तो ये लोग किसानों का विरोध करने नहीं दे रहे हैं। दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली से रोका जा रहा है इनके लिए। पानी की बौछार कर रहे हैं ये लोग, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, लाठीचार्ज करी जा रही है इन पर। ये किसानों के ऊपर अत्याचार सही नहीं है सरकार के। सरकार को ये बिल वापस लेना चाहिए। क्या ये किसानों का क्या है? किसान ये किसानी करते हैं, इसका पका हुआ खाना नहीं खाते हैं ये? बिल्कुल, क्या खाते हैं ये? अगर ये 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 किसानों का आतंकवादी कह रहे हैं, गुंडे कह रहे हैं, क्या ये किसान मतलब इन उद्योगपतियों के लिए, अंधभक्तों के लिए क्या ये गुंडे दिखाई देते हैं? बिल्कुल ठीक जी। अच्छा, तो क्या मतलब, क्या इस सरकार इसको बिल को वापस लेना चाहिए सरकार को? बिल्कुल, सरकार के लिए इस बिल को वापस लेना चाहिए। किसानों के इतना यूरिया इतना महंगा मिलता है, किसान बेचारा दिन रात अपने खेतों में लगा रहता है, उसके फसलों के दाम नहीं मिल पा रहे हैं उन्हें, जो कि 2-1100 को धान बिक रहे हैं इस टाइम को। ये किसान बिल्कुल भी क्या करे, किसान बेचारा परेशान है, किसान हर चीज़ों से। तो किसानों ने तो इनको वोट दिया था, इनकी सरकार बनाई थी। अब किसानों ने वोट दिया इनके लिए, अब तो ये उनके लिए आतंकवादी कह रहे हैं, गुंडे कह रहे हैं, तो 2022 में इन्हें बताएंगे किसानों ने वोट दिया था या नहीं दिया था। अब इनके लिए 2022 में उखड़ फेंकेंगे, समाजवादी पार्टी आएगी, तब पता लगेगा इनके लिए किसानों ने वोट दिए थे या गुंडे हैं या फिर ये आतंकी हैं, तब पता लगेगा इनके लिए। इतना विरोध कर रहे हैं तो फिर तो इनको किसानों की कोई चीज़ खानी भी नहीं चाहिए। बिल्कुल, इनके लिए खाना नहीं चाहिए किसानों को, जो खान जितना भी वो अपने उपज कर रहे हैं बिल्कुल ना खाना चाहिए। तो फिर क्या खाएंगे? जो अपना से मंगाएं खाना, ट्रम्प से खाएं ये। अच्छा, अमेरिका के जो पूर्व प्रेसिडेंट थे वो लाके दें, वो लाके दें इनके लिए। ओहो, तो ये तो बहुत दिक्कत हुई है इन भक्तों को। कोई बात नहीं, क्योंकि ये गुंडे हैं, आतंकवादी हैं, तो वहीं से खाएं तो अच्छा ही रहेगा। क्योंकि किसानों जब किसानों के खिलाफ ही बिल पास कर रहे हैं, तो फिर किसानों की जो खेती करी हुई किसानों खाने के इनका कोई हक नहीं है। समाजवादी पार्टी है, इन्होंने बहुत कार्य किए हैं, बहुत काम किए हैं, और इस सरकार ने अखिलेश भैया ने जितने भी योजना चलाई थी, इन्होंने वो सारी की सारी कैंसिल कर दी। और अब 2022 में समाजवादी पार्टी आएगी, फिर से ये सारी योजनाएं चालू होंगी और हम चालू करने का कार्य करेंगे। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.